तो हम लोग अभी साइक्लिन सिटी के रिक्वायरमेंट्स को हम लोग को देखना है। हम लोग पहले थ्री कमिटमेंट्स देखेंगे, सेल कैसे कैसे कमिटमेंट करता है। तो जो थ्री कमिटमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट कमिटमेंट जो है, ये फर्स्ट कमिटमेंट जो है वो एक्चुअली G1 से S की ओर होता है। यहां पर कुछ चेक बॉक्स होते हैं, उस चेक बॉक्स में कुछ सवाल होते हैं, उसका जब जवाब दे दीजिएगा तभी आपको आगे जाने की इजाजत मिलेगी। अगर इसका सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये फिर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग कमिटमेंट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं चेक पॉइंट, और ये चेक बॉक्स है। सबसे पहला ये होता है, आर यू विलिंग टू डिवाइड। सबसे पहले सेल से पूछा था कि क्या आप डिवीजन करना चाहते हैं, अगर हाँ तो आपको अलाउ करेंगे, अगर आपने कहा नहीं हम डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसे समझोगे। ठीक है, डज योर डीएनए एरर फ्री। अगला सवाल होता है कि क्या आपका डीएनए एरर फ्री है, किसी तरह का डीएनए में डैमेज तो नहीं है, किसी तरह की समस्या तो नहीं है। अगर आपने कहा कि मुझे हमारे डीएनए में, अगर सेल ने कहा कि मेरे डीएनए में भी समस्या है तो फिर ये सिस्टम रुक जाएगा या आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तब तक जब तक कि आप अपना डीएनए ठीक ना कर लें। तीसरा सवाल होगा, डू यू, डस तो होगा नहीं है, हाँ डू योर, हाँ तीसरा है कि डू यू प्रिपेयर्ड विथ द एंजाइम्स एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि एस फेज में जाएगा तो क्या करेगा, एस फेज में जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। तो यहां एक सवाल पूछेगा कि क्या आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित एंजाइम और दूसरा पदार्थ जो भी चाहिए उसके लिए वो आपके पास है ताकि आप डीएनए रेप्लिकेशन कर सकें। अगर आपका जवाब होता है हाँ तो आप अगले फेज में जाएंगे। इस कमिटमेंट साइट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यह होता है कि आपको सब में हाँ चाहिए, ये भी हाँ, ये भी हाँ, ये भी हाँ, तभी आप G1 से S फेज में एंटर करेंगे। अगर कोई भी एक बीच में एक नो हो जाए तो आप ये पार नहीं कर सकते हैं, आपको वहीं पर फंस जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चेक पॉइंट्स पर सब में हाँ चाहिए। सवाल पूछिए। एनी क्वेश्चन? किसी को सवाल पूछना है, नहीं पूछना है? नो क्वेश्चन? सर, मतलब अगर किसी भी फेज पे आके अगर स्टॉप हो जाए, जैसे प्रॉपर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं हुआ है, चेक पॉइंट्स वो क्रॉस कर दे, तो उसी फेज पे सेल रुक जाएगा फिर रुक और नहीं जाएगा। डीजेनरेट अरे हो जाएगा। चलिए बताते हैं, बढ़िया सवाल है। देखिए, अगर हम अभी मैमल्स का एग्जाम्पल लें और साइक्लिन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो G1 फेज में जो साइक्लिन है वो है साइक्लिन ई। ठीक है, और जो साइक्लिन ई है यह साइक्लिन ई फैमिली है, साइक्लिन ई फैमिली।
और ये साइक्लिन ई फैमिली जो है वह इस जीवन में यूज होने वाले सभी प्रोटीन्स को कहेंगे। सभी प्रोटीन्स का मतलब क्या है, वैसे प्रोटीन ईआर में काम कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में काम कर रहे हैं, गॉल्जी बॉडी में काम कर रहे हैं, है ना, अदर्स जितने हैं, सब इसी परिवार से बिलोंग करता है। मतलब उनका फैमिली जो है, सुपर फैमिली या बिग बॉस इसको बोल सकते हैं, वो ई है। डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी एंजाइम्स, जो भी प्रोटीन्स या उस दरमियान में और भी कार्य होते हैं, वो सभी साइक्लिन ए फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब सभी को हम निरूपित किसी से करते हैं, साइक्लिन ए से, ये हमारे समझ में आना पड़ेगा। और माइटोसिस में जितने भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं, सब हमारा होता है साइक्लिन बी फैमिली का हिस्सा। इसलिए आप जब पढ़ेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि B1, B2, BA, BE, B ऐसे करके इसका नाम दिया हुआ है, साइक्लिन B1, साइक्लिन B2। स्पेसिफिक जब केस स्टडी किया जाता है तो इसके भी टाइप्स बांटे जाते हैं, उस वक्त कोई भ्रम की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं होता है। अब देखो क्या है कि मान लो कि हम एक ऐसे ग्राफ बनाए, ये G1 है, S है, G2 है, M है। अगर इस तरह से हम फेज बनाते हैं और थोड़ा से पहले हम बना दें फिर से एक M साइकिल हो गया, तो कैसे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है देखते रहेंगे सब लोग इस ग्राफ। है ना, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। यहां जो है चीजें बड़ी स्पष्ट है, ये G1 SCDK है, ये SCDK है और ये MCDK है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और डिस्कस करते हैं।